अब हम सॉल्व करेंगे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्रिकेट टीम के एक कोच में 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी गई, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदा, कितना में? 1300 रुपये में। तो इसको बीजगणितीय तथा ज्योमितीय रूप में व्यक्त करें, तो ग्राफ में व्यक्त करना है। तो पहले क्या करें, हम बल्ले की कीमत को x मान लेते हैं और गेंद की कीमत को y मान लेते हैं। तो पहला क्या है, पहले खरीदा गया है 3 बल्ला और 6 गेंद, तो 3 बल्ला और 6 गेंद की कीमत क्या हो जाएगा? तो 3 बल्ला का तो 3x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6 गेंद तो 6y, सब मिला कितना पैसा? 3900 रुपया, ठीक है। इसको अगर देख रहे हैं 3 से कट रहा है तो इसको हम काट देते हैं, तो 3 से काटेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस, ठीक है, 3 से कट जाएगा 2 बार में, तो यह बचेगा 2y और प्लस यहाँ 1300 बचेगा, ठीक है। तो मेरा एक इक्वेशन हो गया पहला। फिर क्या कर रहा है, एक गेंद, फिर अगले बार वो खरीद रहा है एक गेंद और तीन एक बल्ला और 3 गेंद, एक बल्ला खरीदा, एक बल्ला की कीमत x है तो x प्लस, ठीक है, और 3 गेंद खरीदा, 3y का हो गया, और उसका मूल्य भी कितना है? 1300 रुपया है, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये पहला लाइन का इक्वेशन है। तो हमको दो लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए, लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट हम या 2 कोऑर्डिनेट खोजेंगे, ठीक है। तो पहला हम कोऑर्डिनेट खोजते हैं, x का वैल्यू, y का वैल्यू किसका खोज रहे हैं? ये खोज रहे हैं हम x प्लस 2y बराबर, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट खोज रहे हैं हम। तो x का वैल्यू क्या ले लेते हैं, पहले 0 ले लेते हैं, ठीक है। अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है, ये 1300 के हाफ क्या हो जाएगा, 650 हो जाएगा, 650। दूसरा, अब y का वैल्यू क्या ले लें, y का वैल्यू ले लेते हैं अगर 100 ले लेते हैं, ठीक है, अगर ये 100 लेंगे तो 100 उधर जाके 1200 और इसका आधा 600 हो जाएगा, हम 100 लिए तो इसका आंसर कितना आएगा, 600। उसी तरह हम इस लाइन कोऑर्डिनेट निकालते हैं, हम x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 100 ले लेते हैं पहले, ठीक है, मान लेते हैं 100 ले लेते हैं, अगर 0 लेते हैं तो ये 3 से तो कटेगा ना, इसलिए 100 लिए हम, 100 लेंगे, 100 उधर जाकर घट जाएगा 1200, 3 से भागा दे जाएगा 400 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या लेंगे, अब ले लेते हैं हम ऐसा नंबर लेना है जो 3 से कटे, तो ये अगर यहाँ 400 ले लें, ठीक है, 400 1300 में कटेगा तो 900 आ जाएगा, और 900 300 कटेगा, ठीक है, 3 3 9 तो ये आ जाएगा, अगर ये हम 400 लेते हैं तो इसको y का वैल्यू 300 आ जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया मेरा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ में दिखाएंगे, तो ग्राफ हम लोग लेते हैं, तो 100-100 इंटरवल लिए हम लोग, ठीक है, नंबर बड़ा है, 100-100 इंटरवल लिए। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या था, पहला कोऑर्डिनेट था हमारा 0650, तो हम 0 और 650 कहाँ मिलेगा, तो 0 तो ओरिजिन मिल गया हमको, और y में 650 चाहिए, 650 यहाँ मिल गया, 0 650, तो एक पॉइंट मिल गया हमको ये, ठीक है, 0 650। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट है 100 600, ठीक है, तो 100 और 600 कहाँ मिलेगा हमको, तो ये 100 हो गया, और फिर 600 यहाँ मिल जाएगा हमको ये, ठीक है, जो देख रहे हैं ग्राफ घटते हुए बन रहा है, ठीक है। अब हम इसको स्केल से मिला देंगे, ठीक है, तो ये मेरा लाइन था, कौन सा पहला लाइन था, ठीक है, इस लाइन का क्या नाम था, ये लाइन था x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है, ये था x प्लस 2y बराबर 1300, ये पहला लाइन था। उसी तरह दूसरा लाइन जो था उसका इक्वेशन कोऑर्डिनेट क्या था, 100 और 400, तो 100 और 400 खोजते हैं, 100 और 400, तो ये हुआ मेरा 100 फिर 400, तो ये हुआ पॉइंट एकदम, ठीक है, एकदम जो जहाँ दोनों लाइन मिल रहा है वही मेरा, ठीक है, 100 और 400, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट कितना था, 400 और 300, 400
तो 400 यहाँ पे है, फिर 300 300 यहाँ पे है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, ये दोनों जो पॉइंट है ये दोनों लाइन कहाँ मिला, ये 1300 में, 1300 और 0, तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये कहाँ, ये दोनों लाइन जो मिला है, जो दोनों लाइन जहाँ कटेगा वही इसका सॉल्यूशन कहेगा, इसके बाद चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या निकला, यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकला 1300 और वाई का वैल्यू क्या है 0, तो यही इसका सॉल्यूशन है। इस लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं हम, एक्स प्लस 3y बराबर 1300 है, इस लाइन का इक्वेशन है एक्स प्लस 3y बराबर 1300। तो इसका सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, ये दोनों लाइन जहाँ टकराया वही इसका सॉल्यूशन होता है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। धन्यवाद।